नमस्कार, दूसरी वीडियो यूजीसी नेट ना जेआरएफ के लिए पेपर वन की जो हम तैयारी कर रहे हैं उसकी आपके सामने मैं लेके हाजिर हो गया। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉर अ बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस स्विच टू 1.5। जो इससे पहली वीडियो आपने देखी है मेरी, उसमें आपने क्या देखा था? व्हाई डिफाइन, हम किसी चीज को परिभाषित क्यों करें? हम इस समय कर क्या रहे हैं? हम ICT यूनिट 8 में डेफिनेशंस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। क्यों डिफाइन करें? क्योंकि डेफिनेशन हमें सशक्त बनाती हैं। दे एनेबल अस टू हैव अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ वर्ड और सब्जेक्ट। उससे हम समझ पाते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या है। दे अलाउ अस ऑल टू बी ऑन द सेम पेज व्हेन डिस्कसिंग और रीडिंग अबाउट एन इशू। विजडम लाइज इन द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड। आइए देखें कि अगर शब्द एक जैसे नहीं है तो क्या होगा। शब्द डेफिनेशन इज लाइक GPS फॉर द लैंग्वेज। आप अगर कहीं जा रहे होते हैं और आपको मालूम होता है कि कोई एक क्रॉसिंग कौन सा है, कनॉट प्लेस कौन सा है, नारीवन पॉइंट कौन सा है, मैनहट्टन कहाँ है, UGC का ऑफिस कहाँ है, यूनिवर्सिटी आपकी कहाँ है, तो आप उसके रास्ते को पकड़कर चले जाते हैं, लैंडमार्क्स पकड़ते हैं। यानी लैंडमार्क्स की डेफिनेशन होती है, यहाँ से जाइएगा तो एक क्रॉसिंग पड़ेगा, वहाँ दाएं हाथ थिएटर होगा। नाउ यू नो व्हाट इज थिएटर? सिनेमा, मॉल। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू डिफाइन। इट विल वर्क एज GPS। विदाउट डेफिनेशन इज लाइक स्विमिंग इन अ सी ऑफ कंफ्यूजन। लगातार आप भ्रम में हैं और आपकी समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें। फ्लैपिंग अराउंड ट्राइंग टू मेक अ सेंस ऑफ एवरीथिंग। अगर आपने कभी देखा हो फिल्मों में ही सही कि कोई डूब रहा है तो देखिए कैसे छटपटाता है। ऐसे ही जब अर्थ हमारी समझ में नहीं आता तो हम भी छटपटाते हैं। छटपटाहट कितनी महसूस करते हैं ये तो अंदर की बात है, आपको समझना पड़ेगा। लाइक फिश आउट ऑफ वाटर गैस्पिंग फॉर मीनिंग एंड स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। अगर आप दो लोग बात कर रहे हैं, उन दोनों के मध्य ये तय नहीं हुआ कि कौन से शब्द का अर्थ क्या है, तो वो कर क्या रहे हैं? वो शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपनी बात कह दी, आपको तो समझ में आई नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने जो शब्द इस्तेमाल किए वो आपकी समझ में नहीं आए। इसी तरह से आपने अपनी बात कह दी और मैं भी उसको समझ गया। कैसे समझा वो तो देखिए, हम लोगों ने समझा था कि कैसे समझते हैं इसे पिछली वीडियो में। तो दोस्तों, टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ICT में जो टर्म्स हमारे सामने आ रहे हैं उनमें बहुत सारे टर्म्स हैं। आइए एक एक करके बात करते हैं। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर सिस्टम? सबसे पहले आइए समझते हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम क्या है। जैसे हम हैं, हमें कुछ इनपुट मिलता है, उस इनपुट के आधार पर हम कुछ करते हैं और फिर उस पर आउटपुट देते हैं। बिजली आई, अचानक आंखें चौंधी आ गईं, यानी बंद हुआ आंख, पलकें गिरी, बहुत जोर से आवाज आई, आपने कानों पर हाथ रख लिया। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। मच्छर आया काटा, इनपुट प्रोसेसिंग, मच्छर है आपने मारा, आउटपुट। सो वी हैव इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। इन द सेम मैनर द कंप्यूटर इज हैविंग इनपुट डिवाइसेस, इज हैविंग सम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस इज रिसीविंग समथिंग विच इज बींग ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ वायर्स। दीज वायर्स आर नोन एज बस टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट मिला, बस से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तक सूचनाएं गई और इसने अब कुछ कुछ किया। इसके अंदर तीन चीजें हैं, कंट्रोल यूनिट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और प्राइमरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज से भी ये कुछ ले सकता है। बस है, बस है,
और जब इतना हो गया तो फिर इसने बस के थ्रू ही आउटपुट दे दिया और इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी जोड़ सकती हैं जो एक्सटर्नल नेटवर्क से हमें जोड़े रखेंगी। ये है कुछ मूल बातें कंप्यूटर से जुड़ी हुई। हमें अब समझना होगा कि इनपुट डिवाइस क्या है, बस क्या है, कंट्रोल यूनिट क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है, प्राइमरी स्टोरेज क्या है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं, ये सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और एक्सटर्नल नेटवर्क क्या क्या होता है। इसी से जुड़े हुए तरह तरह के सवाल परीक्षा में आते रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, वो तो हम जानते ही हैं। आइए देखें कि इस कंप्यूटर सिस्टम में बात और क्या है। कंप्यूटर सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस टास्क एंड फंक्शंस। तो कंप्यूटर में कुछ हार्डवेयर है, कुछ सॉफ्टवेयर है और कुछ पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है और पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से ये कंप्यूटर काम करता है। हार्डवेयर डिवाइसेस क्या हैं, सॉफ्टवेयर डिवाइसेस क्या हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस क्या हैं, इसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। इससे पहले आइए एक चीज और देखें, ये क्या है। ये बात कह रहा है कि इस सिस्टम क्या है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ सब सिस्टम्स। अब देखिए मैंने फिर कह दिया सिस्टम में सब सिस्टम्स भी हैं। तो सब सिस्टम क्या है, यानी सिस्टम क्या है, इसीलिए इसको कभी भी सिस्टम नहीं लिखते, इसको हमेशा लिखते हैं सिस्टम्स। ये देखिए यहां ये गलत लिखा हुआ है, इसको लिखा जाना चाहिए सिस्टम्स। ये हमेशा प्लूरल होगा, सिंगुलर नहीं होता। सो इट्स सिस्टम्स। हालांकि सिस्टम्स और सिस्टम एस लगाकर बिना एस के भी एक ही मतलब माना जाता है, लेकिन आप कौन हैं, मैं कौन हूं, मैं प्रोफेसर हूं, आप शोधार्थी हैं, आप जी आरएफ हैं, तो आपको तो सही और गलत को जानना ही होगा। ये सिस्टम एक्चुअली सिस्टम्स है। कोई सिस्टम है क्या, मान लीजिए कोई सिंगुलर होता हो तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। क्या देखा था अभी, अभी तो देखा था इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। कहां से, ये है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट इज अ सिस्टम एंड अ सेट ऑफ सिस्टम्स। यहां हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इसको हम कंप्यूटर कहते हैं। अब इस कंप्यूटर में क्या क्या हो सकता है, ये तो हुआ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। यानी कोई यूजर एप्लीकेशन है जिसकी मदद से यूजर इस कंप्यूटर से बात कर रहा है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम से काम कराएगा। यानी कंप्यूटर को वो बात समझने के लिए क्या समझना होगा, क्या जानना होगा, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। और फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर काम करेगा। ये यूजर एप्लीकेशन भी हार्डवेयर की मदद से ही यूजर को कंप्यूटर से जोड़ रहा है। यह हुआ आर्किटेक्चर। कंपोनेंट्स क्या क्या है, जैसा हमने अभी समझा, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस ड्राइवर्स हैं और फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। आगे हम और भी समझेंगे, यहां छोटा सा आपको बता दूं, हार्डवेयर जिन चीजों को आप छूकर देख सकते हैं, जो दिखाई पड़ती हैं, वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कंप्यूटर से यूजर को जोड़ता है, आपस में जोड़े रखता है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले आया एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी मैं जब कंप्यूटर से कुछ कहता हूं तो मैं उस भाषा में कहता हूं जो मुझे आती है, मुझे कंप्यूटर की भाषा नहीं आती, तो फिर मैं अपनी भाषा में कहता हूं। कंप्यूटर अब उसको अपनी भाषा में समझना चाहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे चले, तो उसके लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
कंप्यूटर मेरी भाषा को अपनी भाषा में बदलता है और तब निर्देशों का पालन करता है, कमांड फॉलो करता है। यहां एक और चीज आ रही है, डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स क्या है? आपने कोई प्रिंटर जोड़ दिया, एक कोई माउस जोड़ दिया, कैमरा लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो वो डिवाइस जो आपने नई लगाई है वो अब कंप्यूटर से कैसे इंटरैक्ट करेगी? तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स। तो आमतौर से ये है कंप्यूटर सिस्टम, यानी शब्द हमारे पास सामने क्या क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस। एक एक करके आइए समझते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ये इनपुट डिवाइस आखिर है क्या? इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट देम टू अ फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। मैंने आपको अभी बताया कि कंप्यूटर कैसे समझेगा, कंप्यूटर को समझना है। कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर तब समझेगा जब कंप्यूटर की भाषा में उसको बताया जाए। मुझे कंप्यूटर की भाषा आती नहीं, मैंने अपनी भाषा में बताया, इनपुट डिवाइस ने मेरी भाषा में मुझसे इंस्ट्रक्शंस लिए और तब मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर ने अपनी भाषा में बदला। इसके लिए हमें चाहिए इनपुट डिवाइसेस। आइए देखें कि हम मनुष्यों के पास कौन कौन से इनपुट इक्विपमेंट्स हैं। हम भी तो इनपुट लेते हैं ना। मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर बनाया मनुष्य ने, मनुष्य क्या बनाएगा? वही बनाएगा जैसा वो है। तो उसने बनाया कंप्यूटर, सोचा कि जैसे मुझे कुछ कुछ मिलता है और मैं प्रोसेसिंग करता हूं और आउटपुट देता हूं, वैसे ये मशीन कर दे। अगर ये मशीन कर दे तो मेरा काम आसान हो गया। यही सारी जद्दोजहद है, यही सारी लड़ाई है मनुष्य की। तो मनुष्य ने कहा कि मुझे कैसे कैसे इनपुट मिलता है? ऐसे मिलता है देखकर, फाइव सेंसेस आप जानते हैं, देखकर, सुनकर, सूंघकर, घ्राण, टेस्ट करके जीभ के द्वारा और टच करके स्पर्श के द्वारा। तो क्या कंप्यूटर इन पांचों के माध्यम से इनपुट्स ले पा रहा है? आइए समझते हैं, यही तो इनपुट डिवाइसेस हैं। तो कंप्यूटर कैसे कैसे इनपुट्स ले रहा है इसको अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हैं हमारे पास? ये है माउस, आप इससे बहुत परिचित हैं। यह है कीबोर्ड, माउस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, घुमाते रहिए, कर्सर कहीं भी ले जाइए, क्लिक कर दीजिए, कंप्यूटर समझ जाता है। कुछ बताना चाहते हैं, कीबोर्ड है, टाइप कर दीजिए, कंप्यूटर ले लेगा। फिर लाइट पेन और टच पेन है, ये देखिए मेरे हाथ में है, इसे घुमाता घुमाता रहता हूं, ये देखिए घुमा दिया, ये देखिए इसके अंदर रोशनी आ गई और ये मैंने टच पेन से सर्कल कर दिया। फिर टच स्क्रीन है, ये देखिए टच किया, अब देखिए लगातार आप देख रहे हैं कि कैसे मैं टच स्क्रीन का इस्तेमाल कर रहा हूं, लगातार ये आगे पीछे होता जाता है, ये टच स्क्रीन हो गया। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेटा एंट्री का, ये जो है हमारा मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेटा एंट्री का, जिसकी मदद से हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन और स्टाइलस, टच स्क्रीन मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ डेटा एंट्री हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं। उसके बाद क्या है, डेटा एंटर्ड इज स्टोर्ड एज प्रिंटेड बार्स ऑफ डिफरेंट विड्थ्स। ये कैसे हो रहा है? बारकोड और स्कैनर, बारकोड रीडर है, बारकोड स्कैनर है। इस तरह की चीजें आपने किताबों पर, हर प्रोडक्ट पर छपी देखी होंगी, अलग अलग चौड़ाई की काली काली लाइनें छपी हुई हैं और इसको कंप्यूटर पढ़ ले रहा है, ये समझ ले रहा है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। देखिए एक नंबर लिखा हुआ है, तो ये कौन सा नंबर लिखा हुआ है, ये इन लाइनों में छुपा है। जैसे कंप्यूटर इन लाइनों को पढ़ता है नंबर समझ जाता है। इसी तरह से बैंड रीडर है, ये है, इसको किसी चीज पर लगाइए, ये समझ जाता है कि क्या चीज है,
क्योंकि ये उस चीज से कनेक्ट हो जाता है. ये है द डेटा एंटर्ड इज स्टोर्ड एज अ प्रिंटेड बार्स. तीसरा इनपुट है हमारे पास द डेटा एंटर्ड इज स्टोर्ड ऑन अ टाइप पेजेस और इवन हैंड रिटन फॉर्म्स. यानी यहां क्या हो रहा है, ऑप्टिकल स्कैनर. ऑप्टिकल स्कैनर क्या कर रहा है, जब भी आप किसी कागज को इस स्कैनिंग डिवाइस पर रखते हैं तो वो इसको स्कैन कर लेता है, जैसे फोटोकॉपी करता है, लेकिन ये स्कैन करके अपने पास स्टोर कर लेता है और तब ये पेजेस इस तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं. तो तीन तरह की इनपुट डिवाइसेज अभी हमने समझी, माउस कीबोर्ड टाइप की, बारकोड ऑप्टिकल स्कैनर्स टाइप की, और इसके बाद हमारे पास आता है एक MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर. यानी जो स्याही इस्तेमाल हो रही है उसमें कुछ चुंबक जैसा है, उस स्याही को स्कैन जब किया जाएगा तो पढ़ लेगा कंप्यूटर और समझ लेगा कि क्या लिखा हुआ है. तो ये MICR काम कर रहा है. MICR ये क्या करता है, द डेटा इज इम्प्रिंटेड विद मैग्नेटिक इंक. दिस सिस्टम इज मोस्टली यूज ऑन बैंक चेक्स और कोड्स. अब तो खैर इसका भी इस्तेमाल होना बंद हो गया है, लेकिन एक तरीका हमारे पास MICR का भी कंप्यूटर को इनपुट देने का है. फिर एक और तरीका है हमारे पास वॉइस रिकॉग्निशन का. जब कंप्यूटर आपकी आवाज सुनता है, वॉइस इनपुट इज एंटर्ड एंड इंटरप्रेटेड एंड डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन और सेव्ड ऑन द डिस्क. तो आप कुछ बोलते हैं, कंप्यूटर उसको सुन लेता है, रिकॉर्ड तो कर ही लेता है, यह भी इनपुट हुआ. लेकिन आप कुछ कहते हैं कि डायल मॉम, तो आपका फोन तुरंत समझ जाता है कि आपकी मां को फोन मिलाना है. डायल फोन टू अ फ्रेंड, तो फ्रेंड का नाम डालना पड़ेगा या तो फ्रेंड के नाम से स्टोर कीजिए. तो कंप्यूटर समझ जाता है, फोन समझ जाता है कि आपको उसको करना क्या है. इसी तरह से अगला एक इनपुट डिवाइस है हमारे पास, डिजिटाइजर. डिजिटाइजर डिजिटाइजेस ग्राफिक इमेजेस एंड ट्रांसमिट्स देम टू द कंप्यूटर. अब तो आपके पास फोन है, कोई भी इमेज खींच लेते हैं वो डिजिटाइज हो जाती है. और ये हमारे पास डिजिटाइजर एक इक्विपमेंट है जिसकी मदद से हम इमेजेस को खींच लेते हैं और डिजिट के फॉर्म में स्टोर करते हैं. स्कैनर भी करता है, ये भी करता है. फिर इसके बाद है हमारे पास कैमरा और टेप रिकॉर्डर. वीडियो फोटोग्राफ्स ग्राफिक्स साउंड टेक्स्ट हर चीज को ये समेट लेगा और कंप्यूटर में पहुंचा देगा. इस तरह के इनपुट डिवाइसेस दोस्तों हमारे पास हैं. तो इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं, कीइंग डिवाइसेस हैं, पंच कार्ड रीडर्स किसी जमाने में इस्तेमाल होते थे अब इस्तेमाल नहीं होते, कीबोर्ड आपको मालूम है, फिर एक और है पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल. क्या करता है, स्कैनर लगा होता है, आपने छोटा सा हैंडहेल्ड है उसमें लाल बत्ती जलती है, दबाया बीप आवाज आई तो उसने बारकोड को रीड कर लिया. इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल. जहां बिक्री हो रही है वहीं पर डेटा रिकॉर्ड कर लिया गया है स्कैनिंग डिवाइस, लेकिन इसको पॉज के नाम से जानते हैं, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल. फिर पॉइंटिंग डिवाइसेस भी है, यही कीइंग डिवाइसेस, डिवाइसेस दैट पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, टच स्क्रीन, माउस, टच पैड. पैड है उस पर उंगली घुमाइए, आपने लैपटॉप्स में देखा होगा, स्क्रीन मूव, वो कर्सर मूव करेगा, जहां दबा देंगे वो क्लिक हो जाएगा. लाइट पेन मैंने आपको दिखाया, जॉयस्टिक आपने कंप्यूटर गेम्स खेले होंगे, घुमाते जाइए उसको दाएं बाएं करिए, भागता जाता है, तेजी से भागता है, दबा दीजिए, कैसे भी करिए तो वो जॉयस्टिक हो जाती है. बारकोड स्कैनर मैंने आपको भी बताया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर MICR मैंने आपको भी बताया, वैंड रीडर मैंने आपको बताया, पेन रखिएगा पढ़ना शुरू कर देगा, कॉर्डलेस रीडर्स. अब ये जो रीडर्स हैं, हो सकता है ये तार से जुड़े हों, हो सकता है ये वाईफाई हो या ब्लूटूथ से जुड़े हों. फिर ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये OMR है, एक है ओ ऑप्टिकल मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जहां केवल कैरेक्टर्स को पढ़ा जा रहा है. ये मार्क रीडर है, ये शब्द नहीं पढ़ रहा है, ये सिर्फ मार्क पढ़ रहा है.
तो आप जब एग्जामिनेशन किसी जमाने में देते थे जिसमें OMR शीट्स आती थी, तो वो ये OMR शीट्स होती थी, ऑप्टिकल मार्क रीडर इन शीट्स को पढ़ पाता था कि आपने ए को सही मार्क किया है या बी को सही मार्क किया है या सी को सही मार्क किया है। फिर है पेन, आप जान रहे हैं। फिर है माइक्रोफोन, आप आवाज से आवाज रिकॉर्ड कर लीजिए। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन एंड वॉइस रिकॉग्निशन भी है। तो हमारे पास मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स हैं, डिजिटल कैमराज हैं, ऑटोमेटेड कॉलर मशीन्स हैं, ATMs हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स। आप जाइए, कार्ड लगाइए, ATM से पैसा निकाल लीजिए, अपने आप इंटरेक्शन हो रहा है। कॉलर्स हैं, ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉग्निशन है, AVRs हैं, ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉग्निशन के बाद आपको रिस्पांस भी देना शुरू कर देते हैं। स्मार्ट कार्ड्स हैं, आपका जो क्रेडिट कार्ड है, जो डेबिट कार्ड है, या आप तो बहुत सारे आई कार्ड्स भी आपको जो मिलने लगे हैं वो सब स्मार्ट कार्ड्स हो गए हैं। आपके पास डिजिटाइजर्स भी हैं जो आपके मैप को डिजिटाइज कर सकते हैं और आपके कंप्यूटर में डाल सकते हैं। इतनी तो बातें हुई दोस्तों इनपुट डिवाइसेस के बारे में। एक और नई चीज़ आज मैं आपको बताता हूँ जिसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक स्प्लिट कीबोर्ड। अब सवाल यह है कि एर्गोनॉमिक क्या है। आइए पहले ये देखें कि एर्गोनॉमिक क्या है। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। जितनी ऊंचाई की कुर्सी पर आप बैठते हैं क्या वो आपके लिए सही है, इसको समझना होगा। आपके घुटने 90 डिग्री पर ऐसे होने चाहिए। हर व्यक्ति के लिए तो वो कुर्सी ठीक नहीं हो सकती, बैठने का तरीका तो यही है। तो फिर कुर्सी को ऊंचा नीचा करने के लिए भी हमने युक्ति लगाई। आप देखते हैं कि सीट एडजस्टेबल होती है, ऊंची हो जाती है, नीची हो जाती है, जैसा व्यक्ति चाहे एडजस्ट कर सकता है। ये क्या है? ये है एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स का मतलब क्या है? लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली चीज़ों को डिज़ाइन और व्यवस्थित करना ताकि लोग अधिक कुशलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से काम कर पाएं। यानी डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स पीपल यूज सो दैट द पीपल एंड द थिंग्स इंटरैक्ट मोस्ट एफिशिएंटली, आपको नुकसान ना होने पाए। आइए देखें, इससे हम और आप जब ऐसे कीबोर्ड रख के काम करते हैं तो देखिए ऐसे हो गया। स्वाभाविक क्या है? ऐसे स्वाभाविक तो ऐसे ही है। और हमें कंप्यूटर पर काम करते समय ऐसे बैठना पड़ता है। ये हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है या हमारे लिए असुविधा पैदा कर रहा है। तो एर्गोनॉमिक कीबोर्ड हो गया। अब ये देखिए एर्गोनॉमिक कीबोर्ड है। अब आप बड़े आराम से ऐसे करके हाथ रख सकते हैं और इस कीबोर्ड को चला सकते हैं। दिस इज नोन एज एर्गोनॉमिक स्प्लिट कीबोर्ड। माने बीच से इसमें स्प्लिट कर दिया गया, ऐसे स्प्लिट कर दिया गया इसको। कैसे स्प्लिट कर दिया गया? जैसे आपके हाथ रहते हैं। तो दोस्तों ये इनपुट डिवाइसेस में हम लोग और बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, समझते रहते हैं। हालांकि ये बहुत महंगा है, ये 8-9 हज़ार रुपये से कम का नहीं आता है। तो आज हमने क्या समझा? इनपुट डिवाइसेस के बारे में समझा, कुछ डिफिनेशंस के बारे में समझा। अब आज मैं आपसे एक चीज़ और बात कर रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ स्मार्ट स्टडी टिप। हम लोग रोज कुछ ना कुछ ये बात करेंगे, इसको मैं कह रहा हूं स्मार्ट स्टडी टिप, SST। आज की SST क्या है? अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो पढ़ाई बेहतर होगी या नहीं? उत्तर तो सीधा सा है। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो पढ़ाई बढ़िया होगी ही। तो फिर मैं आइए आपसे सवाल पूछता हूं कि क्या आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं? यदि नहीं, या यदि हाँ, या यदि पता नहीं है तो क्या करें? पता कैसे करें? भरे हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपकी पढ़ाई बढ़िया चलेगी। और अगर भरे हुए नहीं हैं तो क्या करें कि आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाएं? इसके लिए मेरा एक और वीडियो देखिए जो
पर्सनल बैंक अकाउंट या कॉन्फिडेंस के नाम से, हाउ इज योर कॉन्फिडेंस के नाम से आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जो आपके पास एक स्मार्ट स्टडी टिप के रूप में आता है। आज का कोट आपके लिए, कोट ऑफ द डे, एट एनी गिवन मोमेंट यू हैव द पावर टू से दिस इज नॉट हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू एंड। आप अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं और आपके पास ये ताकत है कि आप बता पाए कि मेरी कहानी का अंत यह नहीं होगा, मैं अपनी कहानी खुद लिखता हूं और मैं अपनी कहानी खुद तय कर सकता हूं। तो दोस्तों, इतनी बात के लिए हम इस वाले वीडियो को आज यहीं रोक रहे हैं और अगला वीडियो आपको फिर मिलेगा इसी श्रृंखला में। आपको मालूम है कि मेरा रिवीडियो हर मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को 10 बजे आ जाता है। हर दूसरे रोज UGC नेट पेपर 1 के लिए मेरा एक वीडियो आपके लिए मेरे चैनल पे आता रहता है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।